सफ़र जो हम लोगों ने मिलके स्टार्ट किया था, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ हमारे टर्म वन के सफ़र की, जो हम लोगों ने कुछ अप्रैल मंथ के करीब है जो स्टार्ट किया था, आज हम देखें तो हम लोग बिल्कुल एग्ज़ाम के पास में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आपकी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सफ़र का जो अंजाम है, जो अंत है, वो बहुत ही यादगार बन के निकले। तो बच्चा बिल्कुल मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बताने आई हूँ कि भाई कंप्यूटर साइंस के इस सफ़र को आप किस तरीके से यादगार बना सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ करके आप किस तरीके से अच्छे मार्क्स है जो अपने एग्ज़ाम के अंदर ला सकते हो। तो मैं यहाँ पर टारगेट रखने वाली हूँ टर्म वन के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को यहाँ पर आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और ये जो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने चूज़ किए हैं, ये सारे आप लोगों के जो पिछले सालों के पेपर हैं उनके अंदर आपसे अक्सर ये सवाल है जो पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इस साल का जो सैम्पल पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए और पिछले सालों के बीते हुए एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चेकलिस्ट है जो यहाँ पर बताने वाली हूँ। सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा कंप्यूटर साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमारे पाइथन रिवीजन टूर से। पाइथन रिवीजन टूर आपको अगर कहें इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्लास इलेवंथ के अंदर आप इसको पढ़ते हो और पूरा का पूरा क्लास ट्वेल्थ के अंदर भी आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन पाइथन रिवीजन 2 से आइडेंटिफायर के रूल्स का पूछा जाए, तो पिछले सालों के जो पेपर हैं उनको देखने के बाद लगता है कि कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपसे पहला क्वेश्चन आइडेंटिफायर का रूल ही पूछा जाता है। इवन इस साल का जो सैम्पल पेपर है उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफायर रूल से ही रिलेटेड है। मैं बात करूँ टोकन्स की, मैं बात करूँ एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का आता था जब आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर था, तो इस बार भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन अगर मैं कह लूँ तो ये हमारे प्रेफरेंस जो होते हैं ऑपरेटर के, उनके साथ मिलकर के आपके पास में आता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें आपको प्रेफरेंस दिया होगा और आपको उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होगा, और दूसरा आपके पास प्रेफरेंस वाला तो आता ही आता है, साथ में उसमें लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि हमारा एंड और नॉट, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें सुन रहे होंगे और आपने अगर पिछले सालों के सैम्पल पेपर देखे होंगे तो आप इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि यस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं पिछले सालों के पेपर के अंदर। अब आउटपुट टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का है जो वर्किंग विद फंक्शन के अंदर आएगा, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर किसी के साथ मिला करके दे दिया जाएगा। जैसे कि फाइल हैंडलिंग के अंदर इसका आउटपुट बता दो, फोर लूप के अंदर आपसे इसका जो है आउटपुट पूछा जा सकता है। तो ये आप कह लो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको आपका कंसेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए, और किसी भी तरीके से 2, 3, 4 जितने भी हैं क्वेश्चन इसके बन सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन गारंटेड आपके पास वर्किंग विद फंक्शन का आता ही आता है, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको स्पेशल क्लासेस उसके अंदर भी करा रखे हैं, प्लस के ऊपर भी करा रखे हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी इसके लेक्चर्स जो है इसी चैनल के ऊपर पड़े होंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। पाइथन रिवीजन टूर ख़त्म यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइसिंग का क्वेश्चन कभी कभी तो पेपर में देखा गया है कि दोनों, यानी कि लिस्ट और हमारा जो स्ट्रिंग है, उन दोनों से आपको स्लाइसिंग पूछी गई है। ठीक है, तो स्लाइसिंग का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको करके जाना। डिक्लेरेशन डिक्शनरी का, क्रिएशन डिक्शनरी की, रिटर्न टाइप बिल्ट इनबिल्ट फंक्शंस का, जैसे कि आईडी फंक्शन है, टाइप फंक्शन है, इनका आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इनका रिटर्न टाइप क्या है। लैन फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, कितने आर्ग्यूमेंट हैं, कितने पैरामीटर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं किसी भी फंक्शन को लेकर के, और वो यूजुअली वही फंक्शन होंगे जो आप लोग आम तौर पर यूज़ करते आए हो क्लास 11 से। अब अगर हम बात करें कॉन्कैटिनेशन या रेप्लिकेशन, इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लिस्ट को क्या मैं दूसरी लिस्ट से जोड़ सकता हूँ या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लिस्ट को मैं और किस किस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इंटीजर के अलावा, इंटीजर के साथ करता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग भी हो सकता है लिस्ट की जगह पर, ट्यूपल भी हो सकता है, तो ये क्या है रेप्लिकेशन, और इनसे आउटपुट टाइप के क्वेश्चंस आने की जो चांसेस हैं, संभावना है, वो भी बहुत बहुत है। लिस्ट के ऊपर प्रोग्राम, पहले आपको 3 नंबर का प्रोग्राम आता था, अब आपको प्रोग्राम आएगा बट वो आउटपुट टाइप के अंदर आएगा, या तो आउटपुट पूछा जाएगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप के अंदर पूछा जाएगा।
मैं बात कर लूँ यहाँ पर म्यूटेबल इम्यूटेबल, इस कंसेप्ट को हम कहेंगे गारंटेड क्वेश्चंस के अंदर से एक। पिछले वाले में अगर हम कहें तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिना पेपर देखे आपको बता सकते हैं आइडेंटिफायर के रूल वाला। बाकी ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये सारे ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका म्यूटेबल इम्यूटेबल, क्योंकि पिछले सालों के पेपर अगर आपने उठाए होंगे तो म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला जो पेपर, जो क्वेश्चन है आपका पेपर में आपसे पूछा जाता है, जैसे कि ट्यूपल के साथ, ट्यूपल और लिस्ट दोनों में अंतर क्या है, म्यूटेबल इम्यूटेबिलिटी का, राइट? तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है? तो आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए पेपर से पहले। अब आइडेंटिफाई द वैलिड ऑपरेटर, ये क्वेश्चन भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये पूछा जाता है कि भाई आपसे चार ऑपरेटर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा, या पांच ऑपरेटर दे दिए गए, अब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से लॉजिकल बता दो, आइडेंटिटी बता दो, आपसे मेंबरशिप पूछा जा सकता है, कोई भी ऑपरेटर आपको दे दिया जाएगा और उससे उसके बारे में पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करो अब इसका कौन सा टाइप है। ऑपरेशन ट्यूपल्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं और वो रिलेटेड हो सकते हैं म्यूटेबल इम्यूटेबल से रिलेटेड, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है। तो इनसे रिलेटेड आपसे पजल टाइप में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑपरेशंस का यूज़ करके ट्यूपल के ऊपर वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? अब हमारा पाइथन रिविजन टूर ख़त्म होने के बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह जाता है हमारे पास में फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर हमारे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने होते हैं, पोजिशनल होता है, रिक्वायर्ड होता है, डिफॉल्ट होता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, लोकल या फिर ग्लोबल के बीच में अंतर। अब ये क्वेश्चन जब आप लोगों का सब्जेक्टिव था तो ये परमानेंट क्वेश्चंस के अंदर से एक क्वेश्चन था, क्योंकि ज़रूर आप लोगों से पूछा जाता था लोकल और ग्लोबल के बीच एक डिफरेंस कह लो, या फिर दोनों का मतलब क्या है, दोनों से अलग अलग प्रोग्राम्स दिए जा सकते हैं और उनका आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट पूछा जा सकता है, ठीक है? फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर कौन होते हैं, मतलब आपसे एक पिक्चर दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि फॉर्मल को आइडेंटिफाई करो या फिर एक्चुअल को आइडेंटिफाई आप करो। ग्लोबल कीवर्ड के बारे में तो आप कह लो कि आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा, फंक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर साल देखा गया है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो मैंने आपको चैनल के अंदर डाल रखे हैं, तो आप इस चैनल के ऊपर लवजीत अरोरा टाइप करना और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मिल जाएंगे। और आप अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री क्लासेस का लुत्फ है वो भी उठा सकते हो, आपको जस्ट हमारा जो है अनअकैडमी का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू लवजीत अरोरा टाइप करके हमारी प्रोफाइल पर पहुंच जाना और ढेरों फ्री क्लासेस आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। म्यूटेबल इम्यूटेबल पैरामीटर कि कौन सा पास करते हैं, जैसे म्यूटेबल किया तो आउटपुट क्या आएगा, इम्यूटेबल किया तो आउटपुट क्या आएगा, तो ये फंक्शन से रिलेटेड। अब फाइल हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो डिफरेंस हो जाएगा कि भाई टेक्स्ट और बाइनरी फाइल के अंदर क्या अंतर है, और आपसे जो है प्रोग्राम यहाँ पर पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में, ठीक है? तो फिल इन द ब्लैंक टाइप में आपसे प्रोग्राम बिल्कुल पूछा जा सकता है। ज़्यादा जो चांसेस हैं वो आपसे लॉजिकली जो क्वेश्चन पूछने के वो है टेक्स्ट फाइल से, ठीक है? टेक्स्ट फाइल के अंदर की जैसे वर्ड के ऊपर या फिर किसी लाइन के ऊपर, मैंने बोल दिया पापा वर्ड है जो इस फाइल के अंदर कितनी बार आ रहा है, मम्मी वर्ड है वो इस फाइल के अंदर कितनी बार आ रहा है, ऐसी कितनी लाइनें हैं जो ए से शुरू हो रही हैं, ऐसे कितने लेटर हैं इसके अंदर जो हमारे ए ई आई ओ यू वॉवल से रिलेटेड हैं, वॉवल कितने हैं, कहने का मतलब है स्पेस कितने हैं, कॉमा कितने हैं, डॉट कितने हैं, ठीक है? तो आपसे किसी भी तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। भाई खेल फाइल हैंडलिंग के अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर तीन ही चीज़ों का है, रीड रीड लाइन और रीड लाइंस के अंदर का, ठीक है? सो प्रोग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड, बट आपको लिखना तो है नहीं प्रोग्राम, तो वो फिल इन द टाइप में ही होंगे, ठीक है? और आउटपुट पूछा जा सकता है उनका, ठीक है? बाकी मोड आपको करना है कि भाई आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मोड, जैसे बाइनरी फाइल है, ठीक है, अब उसके अंदर अगर मैं आर बी प्लस मोड या ए बी प्लस मोड ओपन कर रही हूँ तो इसके बीच अंतर हमने समझा रखा है, तो क्या अंतर होगा, मतलब दोनों सेम ही तरीके से ट्रीट करेंगे या फिर अलग अलग करेंगे, ए मोड एक्स मोड इनके बीच में अंतर पूछ लिया जाएगा। अब फाइल पॉइंटर की पोजीशन पूछ ली जाएगी कि भाई अगर मैं आर मोड के अंदर ओपन कर रही हूँ तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पर होगी, स्टार्टिंग में होगी कि एंड में होगी,
ठीक है। बाकी फिर टेक्स्ट फाइल है, इनके तीनों आपको यहाँ पर तैयार करके जाने हैं, ठीक है। राइट और राइट लाइंस का आपको देख करके जाना है कि इसके अंदर आपके पास में स्ट्रिंग आती है और इसके अंदर स्ट्रिंग और अदर देन दैट जैसे कि लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, वो भी हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चलेंगे अब हम बाइनरी फाइल के अंदर। पिकल मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शन होते हैं, लोड और डंप। हर एक फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर एक्सेप्ट होते हैं, लोड कितने पैरामीटर, ये कितने पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। पिकलिंग, अनपिकलिंग किसको बोला जाता है, इनके अलग अलग जो नाम हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे। रीड, राइट, कॉपी, सर्च, अपडेट, इनका आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। बट फिर भी अगर आप हमें कहते हो कि मैम इनमें से भी छान करके बताइए, तो मैं आपको कहूँगी ये तीनों आपको मोस्ट पता होने चाहिए। बाकी फिर कॉपी और अपडेट, ये भी आने के चांसेस हैं। डिलीशन भी इसके अंदर आने का चांसेस रहता है, बट जो ऑब्वियस क्वेश्चन आता है वो रीड, राइट और सर्च का तो डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है। अब पाथ के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के बीच में अंतर क्या है आखिर। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है इसके अंदर। अब तो फिर भी आपका हो रहा है MCQs, तो इसके अंदर तो ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के पास कि आउटपुट टाइप में ही और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके कि इसका आउटपुट बता दो, उसका आउटपुट बता दो, चार लाइनें आपको दे दी जाएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में आपसे क्वेश्चन है जो आ सकता है, ठीक है। मोड का आपको अच्छा खासा नॉलेज है जो होना चाहिए। और CSV फाइल के अंदर रीडर और राइटर, ठीक है, बाकी न्यू लाइन हो गया, इन सबको आप अच्छे से कर लेना। सिंटेक्स इसका बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बाइनरी का और CSV का। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। सीक और टेल फंक्शन, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो आप फ्री क्लास के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हो, और ऑफकोर्स एन अकेडमी के ऊपर जो मेरे प्लस लेक्चर्स हैं उनके अंदर तो मैंने कराया ही हुआ है, ठीक है। CSV फाइल के अंदर आपको रीड और राइट दोनों, और प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए बाइनरी और CSV फाइल की, ठीक है। तो जो जो प्रोग्राम्स आप करके गए हो ना, जो आपने किए हैं, जो आपके टीचर्स ने भी आपको कराए हैं, बस आप उनका सिंटेक्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि पेपर में उन्हीं जैसी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग, इतना हम लोगों का चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो मैंने आपको बताई, तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। कि जैसे आपने आउटपुट के कितने क्वेश्चन किए, आपने 50 क्वेश्चन लगा लिए, 80 क्वेश्चन लगा लिए, तो अब उसको चेकलिस्ट में कर दीजिए कि भाई अब आउटपुट के क्वेश्चन हो गए हैं। ऑपरेटर प्रेफरेंस के हो गए, आइडेंटिफायर्स के हो गए, तो ये कितने एक तो क्वेश्चन है आपके पास में, और दिन आपके पास में टोटल अगर एग्ज़ाम स्टार्टिंग की बात करूँ ना, तो 10 या 11 या 12 दिन है जो आपके पास में रह चुके हैं, ठीक है। तो अब बच्चा, चीज़ें ऐसा कहती हैं कि सक्सेस का कोई भी यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है। अगर आप हमसे कहोगे कि हम तो मार लेते हैं शॉर्टकट, ऐसे बच्चा क्लास में बोलता है, तो एक चीज़ आप अपने दिमाग से कहिए कि शॉर्टकट तरीके से पाई हुई सक्सेस से आप कितना खुश हो लोगे, कितना को तुम्हें अंदर तक सेटिस्फाई है जो कर देगी। बिल्कुल भी नहीं। सक्सेस वो नहीं है जो आपको शॉर्टकट से मिली है। सक्सेस वो है जिसने कभी तुम्हें कोने में बैठ करके बहुत रुलाया हो, क्योंकि फिर उसी को ही सक्सेस कहते हैं, और फिर ही सक्सेस है जो आती है। बिना रुलाए शॉर्टकट जो तुम्हारे पास में है ना, वो कुछ टेम्परेरी है, वो सक्सेस नहीं है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों ने इस वीडियो को एंड तक देखा होगा और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो विचार हैं उनको प्रकट करना, और अपने रिजल्ट्स के बाद भी आकर के बता देना कि भाई कितना हेल्प किया हमारे इन चेकलिस्ट वाले पॉइंट्स ने आपकी।